अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। रामपुर से बड़ी खबर, आम के बाग में मिला अज्ञात युवक का शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। रामपुर से बड़ी खबर, घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एसपी अंकित मित्तल। शहजादनगर थाना क्षेत्र का मामला, ज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। आग आम के बाग में मिला अज्ञात युवक का शव। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एसपी अंकित मित्तल। शहजादनगर थाना क्षेत्र के मामला बताया जा रहा है, अज्ञात युवक का अधजला शव मिला है। आम के बाग में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और साथ ही एसपी अंकित मित्तल ने भी मुआयना किया घटनास्थल का। रामपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। आम के बाग में मिला अज्ञात युवक का शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। रामपुर से बड़ी खबर, घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एसपी अंकित मित्तल। शहजादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तुमड़िया का मामला, अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप। आम के बाग में मिला अज्ञात युवक का शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। रामपुर से बड़ी खबर, घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एसपी अंकित मित्तल। शहजादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तुमड़िया का मामला, सिपाही ने खुद को मारी गोली। लखनऊ से बड़ी खबर, राजकीय कॉलोनी में सिपाही तेज कुमार ने खुद को मारी गोली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोली मारने के कारणों का पता लगा रही पुलिस। महानगर थाना क्षेत्र में स्थित है राजकीय कॉलोनी, सिपाही ने खुद को मारी गोली। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजकीय कॉलोनी में सिपाही तेज कुमार ने खुद को मारी गोली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, गोली मारने के कारणों का पता लगा रही पुलिस। महानगर थाना क्षेत्र में स्थित है राजकीय कॉलोनी, सिपाही ने खुद को मारी गोली। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजकीय कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पे घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। गोली मारने के कारणों का पता लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। महानगर थाना क्षेत्र में स्थित है ये राजकीय कॉलोनी, महानगर का मामला बताया जा रहा है। सिपाही ने खुद को गोली मार ली है और अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। राजकीय कॉलोनी में सिपाही तेज कुमार ने खुद को गोली मारी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और गोली मारने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। जांच में जुट चुकी है पुलिस।